करने लगे। ये सोने चांदी के जेवरों की दुकान थी। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, सदा सत्यगामी बालक जूमदेव जी के महान गुणों में से एक सत्य व ईमान का प्राकट्य इसी दुकान में घटने वाली एक घटना से हुआ। जुम्मन, मैं जरा घर जा रहा हूं, दुकान पे ख्याल रखना। जी। हे देवा, इतना कीमती हार बाहर कैसे पड़ा है? अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, वरना ये किसी के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं, अलमारी तो बंद है, अब इस हार को कहां रखूं? यहां पर रखने से तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे ये हार मामा जी के पास पहुंचा देना चाहिए। जुम्मन बेटे, क्या बात है? जुम्मन बेटे, इतने परेशान क्यों हो? ये दुकान के हार लेकर तुम यहाँ कैसे आए? मामा जी, ये दरअसल हार दुकान में अलमारी के नीचे पड़ा रहा, तो शायद ये धोखे से गिर गया होगा। मदन भैया भी दुकान पे नहीं थे, इसलिए हार मैं आपके पास ले आया। अरे, कोई डाका को बल जल्दी बुलाओ, आजकल दुकान में बहुत लापरवाही हो रहा है। जी मामा जी, आपने मुझे बुलाया? आओ। अरे ये बतलाओ, वो हार जो दिए थे दुकान में रखने के लिए, वो हार कहाँ है? मामा जी, मैंने दुकान की अलमारी में रखा हुआ था। अलमारी में रखा था? जी मामा जी। तुम्हें अच्छे से याद है? जी मामा जी, मुझे अच्छी तरह याद है, हार अलमारी में ही रखा हुआ था। अगर तुमने वो हार अलमारी में रखा था तो ये हार कहाँ से आया? अरे फिर ये क्या है? ये सीखो, इस मासूम बच्चे से सीखो, ये कितना ईमानदार है और तुम कितने लापरवाह हो। एक हार ठीक से रखना नहीं आता? ये बच्चे ईमानदार है, वफादार है, इसलिए ये हार मेरे पास लाकर दिया। और कोई दूसरा होता लेकर रफू चक्कर हो गया होता, फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस घटना के उपरांत बाबा जी के मन में ये विचार आया कि मदन सेठ का छोटा भाई अनाप शनाप पैसा खर्च करता है, इसी पैसे की खातिर वो किसी दिन दुकान में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये सब लोग जो आज मुझे ईमानदार कहते हैं, कल किसी घटना के घटने पर इनका दृष्टिकोण भी बदल सकता है। आखिर मैं एक कर्मचारी ही हूं। कल किसी कारणवश ये लोग अपने भांजे का पक्ष लेकर मुझे बदनाम कर सकते हैं। अतः ऐसी किसी भी स्थिति के आने के पूर्व ही मुझे ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए।